हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम भारती फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। वेलकम टू अमोल एफबी लाइव पेज। आई एम भारती वानिया फ्रॉम वडोदरा। मैं आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है मिडल ईस्टर्न की फतायर, उसको बोलते फतियार भी उसको बोलते, और ज़्यादातर उसको एपेटाइजर के तौर से ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है। तो मैं जो आज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्पिनच चीज़ फतायर। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही इजी है, और घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही से ये बन जाती है। और सबसे पहले हम इसका डो रेडी करेंगे। अभी हम कितने लोग आए, ज़्यादा लोग आए, तो स्टार्ट करती हूँ मैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप मैदा, मैंने लिया है ऑल पर्पज फ्लावर। उसमें मैं डालूंगी 1/2 TSP सॉल्ट। ये रेसिपी बहुत इजी तरीके से बन जाती है, सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही डालने होते हैं। 1 TSP में ले रही हूँ पाउडर शुगर। और 1 TSP ले रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट, मैंने लिया है, इससे जल्दी हमारा डो फॉर्मेट हो जाएगा। ये सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है, पूछा तो वीडियो क्लियर आ रहा है और मेरी आवाज भी क्लियर है कि नहीं, प्लीज थम्स अप कीजिए। दिख रहा है वीडियो क्लियर? अभी यहाँ गुजरात में बारिश का मौसम चल रहा है, 2 दिन से लाइट का भी प्रॉब्लम है और ज्यादा अभी बारिश भी हो रही है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी आ रही है, थम्स अप कीजिए अगर आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 1/2 TSP सॉल्ट डाला था, 1 TSP इंस्टेंट ईस्ट डाला है और 1 TSP मैंने पाउडर शुगर डाली है। 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब हम डालेंगे लुकवॉर्म मिल्क, मैंने लिया है 1/2 कप, वो मैं डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फतायर आप कभी भी खा सकते हो, जब ब्रेकफास्ट में आप इसका यूज कर सकते हो, चाय कॉफी के साथ ब्रेकफास्ट में, कोई सॉस के साथ खा सकते हो। और मेन जो हम मेल लेते डिनर और लंच लेते उस टाइम पर भी आप इसका खाने में यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर मिल्क का यूज करना है, जिसे हमारा डो बहुत अच्छी तरह से बनेगा और इसका टेस्ट जो मिल्क का आएगा डो में, ब्रेड में, वो बहुत टेस्ट होगा।
ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसे क्लीन प्लेटफॉर्म पर मैं इसको अभी डो को रखूंगी। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने ऑलिव ऑयल का यूज किया है। आप घर में जो यूज आपके पास ऑयल होता है नॉर्मल, उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब मिडल ईस्टर्न की बात आती है फूड की तो ऑलिव ऑयल होता ही है। तो मैंने यहाँ पर 1 TSC ऑलिव ऑयल का यूज किया है। अब मैं क्या करूँगी, ये डो को 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक इस तरह से गूथेंगे। थोड़ा मैं आटा लूंगी, अच्छी तरह से उसको इस तरह से मसल लगे। जैसे हम ब्रेड का और पिज्जा डो का और फिर पाव के जो आटा हम गूंथते हैं, इसी टाइप से ये आटा हमें गूंथना है। अदिति जी पूछ रहे हैं अभी आपने क्या मिक्स किया, फिर से बताओ। अभी मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने डाला 1 TSP पाउडर शुगर, 1 TSP इंस्टेंट ईस्ट डाला है और 1/2 TSP मैंने सॉल्ट डाला है, और अभी मैंने डाला 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला है। आप ऑलिव ऑयल की जगह आपके घर में जो भी ऑयल अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। ये जो जाली पड़ रही है इसे हमारा ये डो बहुत अच्छा फर्मेंट होगा और फतियार बहुत अच्छी तरह से बनेंगे। वैसे फतियार मिडल ईस्ट में ऑथेंटिकली जो इसकी रेसिपी है ट्रेडिशनल वे से, वो वहाँ पर नॉनवेज में बनती है और फेटा चीज़ पनीर वेजिटेबल में भी बनती है। तो मैं आपके साथ पनीर से ये रेसिपी, पनीर और चीज़ दोनों का यूज़ करके मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। ऑलिव ऑयल में डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ये ब्रेड में। धीरे धीरे ये होने को आएंगे दो, थोड़ा ऑलिव ऑयल से इस तरह से हम राउंड बॉल बना देंगे।
ये हो गया है, इतना सॉफ्ट हमें चाहिए इल्लू। इतना सॉफ्ट डो होना चाहिए। अभी मैं इसी बाउल में, वैसे ये डो को हम 45 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो जब तक मैं फिलिंग रेडी करती हूँ तब तक हम ये डो को रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो इसे ढककर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। वन मिनट मैं हैंड क्लीन करके आती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके अब हम जो फटायर बनाएंगे इसके लिए फिलिंग में रेडी करती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1/2 कप मैंने अमूल का ग्रेटेड पनीर लिया है, ग्रेट किया हुआ पनीर है 1/2 कप। इसमें फेटा चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने अमूल का पनीर लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1/3 कप अमूल का चीज़ है, ये चेडर और मोजरेला दोनों चीज़ जो मिक्स आता है वो मैंने लिया है। इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून जितना बारीक चॉप किया हुआ प्याज, बहुत बारीक चॉप किया है। और इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून, ये मैंने पारबॉइल किया हुआ स्पिनच लिया है, वो भी बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन गार्लिक, इसको रफली चॉप करना है गार्लिक को। और 3 टेबलस्पून धनिया लिया है। अगर आपके पास, अगर आप फेटा चीज़ का यूज़ कर रहे हो तो आप इसके साथ पार्सली यूज़ करना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फेटा चीज़ और पार्सली का। और अब मैं इसमें डालूँगी फ्रेश मिंट लीव्स, जिसको चॉप नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रफली रख देना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फतियर में, ऐसे ही जस्ट डालना है। अब हम डालेंगे इसमें
इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, जैसे हमारे इंडियन मसाले वैसा नहीं है। इसमें मैं मिक्स हर्ब डालूंगी। वीडियो क्लियर नहीं है, अभी दिख रहा है? वीडियो और आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज थम्स अप कीजिए। यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू है, लाइट का भी। अभी 2 दिन से गुजरात में। अभी वीडियो क्लियर है प्लीज? ओके, अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून जितना मिक्स हर्ब। और मिडल ईस्ट का ये सुमक पाउडर आता है, उसका जो स्पाइस फेमस है वहाँ का, वो लेमनी टैंगी फ्लेवर इसका होता है। ये सुमक पाउडर है, वो मैं थोड़ा डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। वो 1/2 टीस्पून जितना मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई कोई बात नहीं। और ब्लैक पेपर डालती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालती हूँ। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये सब हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप फिलिंग में अपनी चॉइस के हिसाब से आप फिलिंग कर सकते हो। इसमें आपको जो वेजिटेबल अच्छा लगता है उसका फिलिंग आप कीजिए। ओके, जो हमारा डो था उसको मैं ले रही हूँ। मैं आपको इसकी डिज़ाइन और फिलिंग करके मैं आपको देखने के लिए दिखा रही हूँ। एक मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है फतिया, लेकिन आपको ये मैं दिखाने के लिए ही अभी मैं कर रही हूँ। अब हम इस डो का 5 पार्ट करेंगे, 6 पार्ट करेंगे। इस तरह से उसको गोल करेंगे, ये जो उंगली है दोनों इसकी हेल्प से ऐसे करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट डो हो गया है हमारा। अगर आप घर में जब बनाओगे तो ये डो को आप मिनिमम 40-45 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखोगे, और बाद में ये जो मैं अभी प्रोसेस कर रही हूँ वो आप बाद में करना। अभी मुझे टाइम की कमी की वजह से मैं अभी आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। बाद में मैं ये फिलिंग करके मैं हाफ एन आवर के लिए मैं ये डो को रेस्ट करने के लिए रखूँगी। तो मैंने ये 6 पार्ट कर दिया है।
हम थोड़ा मैदा छिड़केंगे और ये जो हमारा बॉल है उसको हम बेलेंगे, ऐसे लंबा बेलना है। रजिया जी पूछ रहे हैं मैम डो कैसे गूंथा। डो हम जैसे पिज़्ज़ा डो बनाते हैं इस तरह से हमने गूंथा है। अगर प्रोसेस पूछे हाँ, मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला था, 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट और 1 टीस्पून मैंने पाउडर शुगर डाली थी और 1 से 2 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है और 1/2 कप मैंने लुकवार्म मिल्क अमूल का जो है वो मैंने लिया था। ओके, ये हमारा ये ट्राइंगल हो गया है। अभी हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग में आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी आप फिलिंग इसकी भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो पार्ट है उसको यहाँ से पहले यहाँ से प्रेस कर देना है और यहाँ से भी प्रेस करना है और ये दूसरा भी उठाकर इसके ऊपर ही प्रेस करना है। ये जो हम बोट जैसा उसको शेप देंगे, इसे भी पिंच कर देंगे। थैंक यू रेनू जी। ये जो फीलिंग है उसको हल्के हाथों से दोनों साइड से प्रेस कर देंगे। फीलिंग आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से डाल सकते हो और ये जो फतियार की साइज है वो मिनिमम नॉर्मल साइज मैंने बनाई है, आप बड़ी या छोटी भी बना सकते हो। ये प्रेस कर देना है क्योंकि जब ये बेक होगा तो ओपन हो जाता है, तो थोड़ा इस तरह से प्रेस कर देना है। अब हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ये ब्लैक ऑलिव ऑयल मैंने लिया है तो यहाँ पर मैं रखूँगी। और एक यहाँ पर रखूँगी। और इस टाइप की बेकिंग ट्रे मेरे पास है, इसमें मैंने पार्चमेंट पेपर कट कर रख दिया है। अब हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे इसको, क्योंकि जब ये बनेगा तो बेक करके जब होगा तो ये चिपकता है, तो थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। रजिया जी पूछ रहे हैं ये मिडल ईस्ट रेसिपी है। हाँ, ये मिडल ईस्ट रेसिपी और ये ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में खाई जाती है, तुर्की, इजिप्ट, हर जगह, दुबई, लेबनीज, हर कंट्री में ये फेमस है। इस टाइप का मैंने ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब हम इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे। मैं 2 टाइप के फतेहर के आपको डिजाइन दिखाऊंगी, एक ये बोट टाइप की और एक ट्रायंगल जो शेप आता है वो मैं दिखाऊंगी।
सेम तरीके से इसको पिंच करना है, पहले ये पार्ट प्रेस कर देना है और सामने वाला पार्ट भी प्रेस कर देंगे, यहाँ पर भी प्रेस कर देना है। और हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देंगे। फिलिंग भी बाहर ना आए जब बेक हो, बेक करने के लिए रखेंगे तो, और ये अच्छी तरह से बेक भी हो जाएगी। फिर से ऑलिव ऑयल को रखेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप मत डालना। फिर इसको उठाकर ये ऊपर रखेंगे, अब मैं दो और डिजाइन ट्रायंगल वाली डिजाइन दिखाती हूँ, बहुत इजी है। मैं चाहती हूँ आप सब व्यूअर्स ये घर पे रेसिपी बनाएं, अभी लॉकडाउन चल रहा है और रेस्टोरेंट सब बंद है और घर में बच्चे भी, अभी वैकेशन चल रहा है तो सब घर में फैमिली, पूरा फैमिली घर पे ही होता है तो कुछ ना कुछ नया खाने को मन होता है, तो मैं चाहती हूँ ऐसी नई रेसिपी आप शेयर करें। और अमूल लाइव पेज पर बहुत सारी नई नई क्यूजिन रेसिपी, हर तरह की क्यूजिन रेसिपी आती है तो आप वही देखें और बनाइए। निकी जी पूछ रहे हैं, डू वी नीड टू रोल इट थिक और थिन, प्लीज एडवाइस। मीडियम प्लीज, इतना थिन है, भाखरी जैसा, नहीं ज्यादा पतला नहीं मोटा। ये फूलेगा, ये ब्रेड जैसा पिज्ज़ा कैसे फूलता है ऐसा, ऐसे जब वो बेकिंग के लिए रखेंगे तो ये फूलेगा। इसमें बीच में फिलिंग देंगे, अभी हमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट उठाना है और यहाँ से प्रेस करना है, यहाँ से प्रेस कर देंगे, प्रेस कर दिया। अब यहाँ तीसरी साइड उठाएंगे और ये जो दो साइड है इसको मिलाना है, ये हमारा ट्रायंगल शेप हो गया। इस टाइप की डिज़ाइन में आप बेक भी कर सकते हो और फ्राई भी कर सकते हो ऑयल में, तो जब आपको फ्राई करना है तो ये ज़्यादा प्रेस करना, क्योंकि जब फ्राई करोगे तो ये खुलना नहीं चाहिए, ये जो प्रेस किया ये खुलना नहीं चाहिए, वरना सब फिलिंग ऑयल में चला जाएगा। मैं बेकिंग करूँगी, इस टाइप का हम सेम दूसरा भी बना कर मैं दिखाती हूँ। रेनू जी कह रहे हैं लुक्स लाइक पिज्जा डो मैम, या राइट। आप पिज्जा में जो फिलिंग भरते हो, जो देते हो, वो भी आप इसमें डाल सकते हो, कोई भी आपको जो पसंद है वो आप फिलिंग में भर सकते हो। लेकिन ये फिलिंग जो है वो बहुत सिंपल है, कम इंग्रेडिएंट्स है और हेल्दी भी है, चीज़ है, पनीर है, ब्लैक पेपर डाला है। कविता जी कह रहे हैं फिलिंग में क्या है, फिलिंग में मैंने हाफ कप पनीर लिया था और 1/3 कप मैंने चेडर चीज़ और मोजरेला चीज़ लिया था, और सुम्मक जो मिडल ईस्ट का जो है स्पाइस वो मैंने डाला हाफ टी स्पून जितना, और मैंने डाला है ब्लैक पेपर और डाला है मिक्स हर्ब, 1/1 DSP मिक्स हर्ब और ब्लैक पेपर डाला है, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाता है फिर भी ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है।
ये हमारा हो गया है। बहुत ही बहुत लाइट वेट लग रहा है जब पकड़ोगे तो। कशिश जी पूछ रहे हैं ओवन नहीं हो तो क्या गैस पे भी बेक कर सकते हैं? हाँ, गैस पे जब आप पिज़्ज़ा बनाते हो, पिज़्ज़ा बनाते, केक बनाते, कोई एक बड़ा सा पतीला या बड़ा सा नॉनस्टिक पैन ले लो और उसमें एक जाली रख दो, या स्टील की थाली, एल्यूमिनियम की थाली जो खमन ढोकले में रखते हैं, इसमें थोड़ा ऑयल ग्रीस कर दो, ऑयल या बटर जो भी, और बाद में ये रख देना। और पहले 10 मिनट्स के लिए आपको हाई फ्लेम पर प्रीहीट करना है जो भी पतीला है या नॉनस्टिक पैन है, और बाद में लो फ्लेम पर आपको आधे घंटे के लिए उसको बेक करना पड़ेगा, लेकिन लीड ढक कर रखना है आपको। अब हम इसके ऊपर मैं मिल्क वॉश करेंगे हम। रेनु जी कह रहे हैं डेफिनेटली आई विल मेक इट टुडे मैम एट होम, आई लव इट। अब हम थोड़ा मिल्क वॉश करेंगे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है आप एग वॉश भी कर सकते हो, लेकिन ये पूरी टोटली वेजिटेरियन रेसिपी है तो मिल्क वॉश करेंगे। मोना जी पूछ रहे हैं बन स्टाइल में बना सकते हैं क्या? बन स्टाइल में बना सकते हैं? हाँ, शेप आप कोई भी दे सकते हो और आपके मन में जो इनोवेटिव आता है, इनोवेशन आप कोई भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे शेप्स आते हैं, अभी मैंने दो ही आपको दिखाया है बना के, चार पांच तो इजीली बन जाता है इसे भी इसका। ये जो शेप मैंने आपको दिखा है वो वहाँ का ऑथेंटिक फीलिंग भी ऑथेंटिक है, और ये जो शेप है वहाँ यही हर जगह स्ट्रीट फूड में हर जगह वो मिलता है। और इसको कोई कोई लोग फ्राई करके भी खाते हैं, लेकिन ये बेक में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो। अभी हम क्या करेंगे, ये हो गए हैं, अभी हम इसके ऊपर ये ओनियन के सीड है, निगेला सीड्स, वो मैं थोड़ा स्प्रिंकल करूँगी, बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ब्लैक सिसमी है तो भी आप डाल सकते हो, ये वाइट सिसमी, ये तिल है वाइट, वो मैं थोड़ा डालूँगी। Can you repeat the process, please? हाँ, अभी सबसे पहले मैंने लिया था, पहले तो मेरी रेसिपी का नाम है स्पिनच चीज फतियार, फतियार भी बोलते हैं, फतियर भी बोलते हैं, ये मिडल ईस्टर्न की रेसिपी है और ये ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर चाय कॉफ़ी के साथ यूज़ होते हैं खाने में। और सबसे पहले मैंने लिया था 1 कप मैदा, 1/2 कप लुकवॉर्म वाटर लिया था, 1/2 TSP मैंने सॉल्ट लिया था, 1 TSP इंस्टेंट ईस्ट लिया था और 1 TSP मैंने पाउडर शुगर ली थी। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया
और उसका अच्छा सा डो मैंने गूथ लिया, जैसे पिज़्ज़ा डो, पाव का डो, ब्रेड का डो हम गूथते हैं, वैसे मैंने 4 से 5 मिनट उसको अच्छी तरह से गूथ दिया। बाद में मैंने क्या किया, फिलिंग मैंने बनाई, तब तक रेस्ट करने के लिए रख दिया था डो, अदरवाइज हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने ये प्रोसेस की। डो को आपको अगर आप घर में बना रहे हो तो 45 मिनट्स के लिए आपको वार्म जगह पर, गर्म जगह पर, घर में कोई भी कोना ऐसा हो कि गर्म जगह है, वहाँ पर ढक कर आपको 45 मिनट्स के लिए रख देना है। और बाद में ये इस टाइप का मैंने बॉल बनाया था, 6 बॉल, 1 कप मैदे से ऐसा 6 फतियार बनेंगे, 6। तो इस टाइप का ये बॉल बनाकर आपको जो आपको मन में आए, ट्राइंगल जैसा भी आपको शेप देना है, इस टाइप का आप शेप दे दो। और फिलिंग में मैंने लिया है 1/2 कप पनीर लिया था, 1/3 कप मैंने मोजरेला चेडर चीज़ मिक्स लिया था, फिर सुमक पाउडर आता है स्पेशली मिडल ईस्ट का, ये स्पाइसी होता है वहाँ का, वो मैंने 1/2 टीस्पून लिया था, और ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब डाला है मैंने, थोड़ा ऑलिव ऑयल भी मैंने डाला है। और ये फिलिंग में मैंने मिंट लीव्स थोड़े लिए, थोड़े काट कर धनिया लिया जो कोरिएंडर हम बोलते हैं, और इसमें मैंने डाला है चॉप ऑनियन, 3 टेबलस्पून चॉप ऑनियन डाली है। फिलिंग में आप कोई भी फिलिंग कर सकते हो, फेटा चीज़ ले सकते हो, कोई भी वेजिटेबल भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये प्रोसेस मैंने कर दिया है, अभी मैं इसको मिनिमम 30 से 40 मिनट्स के लिए ढक कर रेस्ट करने के लिए रखूँगी ये ट्रे को, और बाद में मैं OTG में 200 प्रीहीट ओवन में मैं इसको 20 से 25 मिनट तक बेक करूँगी। अगर आपके पास कन्वेक्शन का ओवन है तो आप 15 से 20 मिनट में ये 200 डिग्री पर हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया, ये मैंने बनाया है, अब मैंने थैंक यू मीना जी। मैंने पहले से ही ये बेक करके रखा था, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम डो को रेस्ट दे और 25 मिनट हम बेक करने के लिए रखे। तो ये मैंने सेम शेप जो अभी बनाए है, सेम शेप बनाए वही मैंने, ये 1 कप आटे से ही बनाए, 3 इस टाइप का और 3 इस टाइप का, और पेरी पेरी सॉस के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप कोई भी सॉस आपको जो पसंद है इसके साथ आप खा सकते हैं। तो आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और आप सबको, आप सब व्यूअर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहे एंड तक, और मेरी रेसिपी आपने देखी। तो थैंक यू अमूल की पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, वैकेशन भी है, तो मैं चाहती हूँ आप नई नई रेसिपी घर पे बनाएं और इजी तरीके से ये रेसिपी बन जाती है, और अपने फैमिली और बच्चे को खिलाइए। और मेरा यूट्यूब चैनल है लेविस क्यूजिन, इसमें मैं नई नई रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ जाइए, लेविस क्यूजिन पेज पर जाइए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक, और वहाँ जाके नई नई रेसिपी का वीडियो देखें।
और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अमूल की टीम और पूरे व्यूअर्स को। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।